सभी भाइयों को नमस्कार। मैं विकास यादव पटौदी गुड़गांव से। सबसे पहले जीता फोगाट, विपिन चहल, बोबी भाई, सतपाल भाई, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस काबिल समझा कि आप सबके समक्ष हूँ आज मैं। नमस्कार चंद्रपाल भाई, क्या हाल है? आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, क्योंकि अभी दौर कुछ गड़बड़ चल रहा है। नमस्कार जीते भाई, बड़े ही तारीफ योग्य हैं आप, जिन्होंने आपको इस मुहिम को स्टार्ट किया है। राम राम भाई अंकित। बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल। गोभी भाई राम राम, और कैसे हो? अच्छा, कल सतपाल भाई ने कुछ बातें कही थी, मैं उनकी वीडियो देख रहा था। उन्होंने एक वादा किया था कि एक आईपीएल होगा, बहुत अच्छी बात है। हम भी आशा करते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे गेम को एक अलग प्लेटफॉर्म मिले। हालांकि कमेंट्स करने वाले हर तरह के इंसान होते हैं, हर एक पर्सन की अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। उनकी सोच थी, बहुत अच्छा है कि वो कुछ करने जा रहे हैं। राम राम सभी भाइयों को। वो भी भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। आप बताइए। ये हमारे जोन सिन्हा भाई जुड़ चुके हैं हमसे, बहुत ही अच्छे इंसान है। तो फेडरेशन के बारे में कुछ चीजें कह रहे थे वो, हम सबको उनका सपोर्ट भी करना चाहिए। अब मैं कुछ चीज़ें, क्योंकि हर एक पर्सन का, हर एक इंसान का अलग अलग सोच होती है, तो मेरा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या है कि ऑप्शन रेज करने वाले बहुत होते हैं, कि गलतियां निकालने वाले बहुत होते हैं। बहुत से ऐसे सीनियर प्लेयर हैं जिनको हमने देखा है कि टूर्नामेंट गए, जीते और अपनी अर्निंग की वापस, बट कुछ होता है तो सबसे पहले वही कमेंट्स करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। अब सोचने वाली बात है कि उनसे कोई सवाल पूछे कि आपने क्या किया है गेम के लिए। पर्सनली तो सब करते हैं, नाम के लिए सब करते हैं, फेम के लिए सब करते हैं, शौक के लिए सब करते हैं। तो मेन चीज ना, हर बंदे की, हर खिलाड़ी की खुद की अपनी क्या इमेज है, क्या वो करना चाहता है, क्या करना नहीं चाहता, उसने क्या किया है खेल के लिए, तो सभी को योगदान देना होगा। कुछ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, मैं आपके सामने रखूंगा वन बाय वन थोड़ी देर बाद। बिल्कुल भाई जीता भाई, बिल्कुल। क्या है कि एक गेम एक रूल, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं भाई। ये यूनिक चीज कब हो सकती है? तब हो सकती है जब एक फेडरेशन हो या फिर उसी के अकॉर्डिंग सारे गेम्स हो, सारे टूर्नामेंट्स हो, उसी के अकॉर्डिंग सारे टूर्नामेंट्स हो, वहाँ वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो उन्होंने कहा है, कल भी कहा था। और एक लास्ट टूर्नामेंट था झज्जर के अंदर, विपिन भाई ने और ये जो फेडरेशन है, बहुत ही अच्छा उनका काम लगा मेरे को। उन्होंने कुछ ट्रॉफीज वगैरह भी डोनेट की थी,
प्लेयरों को सम्मानित भी किया था, और जैसे उभरते हुए सितारे, जैसे नजफगढ़ का जो नेटमैन है, मेरे को नाम याद नहीं है उनका, उनको भी सम्मानित किया था। तो बहुत अच्छी बात है, तारीफ के योग्य है वो। जहाँ तक मैंने सुना है कि हर टूर्नामेंट में जो फेडरेशन से रिलेटेड है, उनमें नेट बॉल और कुछ अमाउंट भी वो प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमें उनको मतलब कि कोऑपरेट करना चाहिए। जी यादव नितिन, राम राम भाई, गोविंद भाई, मैंने गेम स्टार्ट किया था भाई 2008 में, व्हेन आई वाज इन एट्थ क्लास में था। नेटमैन खेलते थे, फॉर्मेट उस टाइम अलग था, गेम भी उस टाइम पे अलग था। आज बहुत ही थोड़ा सा मॉडर्न हो गया गेम, बहुत कुछ सीखा है। क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी बहुत उठाया है। मेनली एक ग्रुप बना था ये दिल्ली NCR वाला, महेश पाल जी ने जो बनाया था, उसका एक बेनिफिट था कि जहाँ भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, हर प्लेयर को पता लग जाता है कि कहाँ टूर्नामेंट हो रहे नहीं हो रहे। वरना इससे पहले क्या होता था, कहीं टूर्नामेंट हो रहा है, नियर बाई भी हो रहा है, तो लोगों को पता नहीं चल पाता था। पर्चे पंपलेट्स वगैरह छपते थे, कोई देख रहा है तो ठीक है, तो खिलाड़ी सारी जगह नहीं पहुंच पाते थे। तो एक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मोटे भाई हैं, उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट वगैरह किया है, तो कोऑपरेट करते हैं। रमेश शर्मा जी, नमस्कार जी, बहुत ही अच्छे इंसान है रमेश शर्मा जी, जयपुर से, बहुत ही सीनियर भी प्लेयर हैं। जीता भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको भी इस मंच पे लेकर आएं। पवन भाई, यादगार मैच, बहुत सारे यादगार मैच हैं, तीनों ही फॉर्मेट में यादगार मैच हैं। क्योंकि जब हमने मैच खेलना स्टार्ट किया था, वॉली खेलना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मीडियम गेम चलते थे हमारे साइड, तो हमें सिखाया भी मीडियम गेम था, नेट सिंगल हैंड उठाते थे उस टाइम पे। उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉपिंग भी चलता, पर यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। जैसे जो रोहतक, दिल्ली, ये वाला एरिया, उसको अच्छे से यूटिलाइज करते थे। हमारे यहाँ पे एक बासलाम भी टीम होती थी, 2010 के आसपास की बात है, 2010 के आसपास यहाँ एक बासलाम भी टीम होती थी, हमारे इलाके की सबसे अच्छी टीम थी वो, पूरे पटौदी की, पटौदी रेवाड़ी मैक्स। उन्होंने कंटिन्यू 52 टूर्नामेंट्स जीते थे, मुझको याद आज भी। स्कोरिंग करते थे, थर्ड बॉल जंप मारते थे, उसके बाद फिर अंडर हैंड का चलन हो गया थोड़ा। अंडर हैंड का मेरा सबसे बेस्ट मैच था, मैं जब बहादुरगढ़ के सेट में खेलता था, रवि, अंकित पहलवान, मोटे भाई, जेंगो, मैं और नेटमैन हमारा पवन और नितिन, पूंछ पूंछ गांव से। उस टाइम पे मोला एडा के अंदर टूर्नामेंट था, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट कराया था रविंदर रविंदर भाई ने। वहाँ पे पथरेड़ी से हमारा सेमीफाइनल हुआ था, शायद पथरेड़ी का 15 पॉइंट का मैच था, 15-5 कुछ ऐसा कुछ स्कोर था, पथरेड़ी प्लस चिराग दिल्ली के साथ। बहुत ही अच्छा गेम दिखाया था रवि भाई ने उस दिन। फाइनल जयपुर के साथ हुआ था हमारा, बहुत ही अच्छा मैच चला, 2.5 घंटे के आसपास मैच चल गया था शायद वो, और बड़ा यादगार मैच था। बहुत अच्छा गेम दिखाया था कमल भाई ने भी, और रवि रवि भाई के तो उस दिन वारे नहीं आ रहे थे। ड्रॉपिंग के अंदर हमारा मैच था, हम जयपुर चोमू चोमू के अंदर खेलने गए थे, यही बहादुरगढ़ का ही सेट हमारा था। हमारे साथ सोनीपत से मोनू भाई और थे, राहुल रोहतक से और था, जयदीप, मोटे भाई, हम सारे जयपुर चोमू के अंदर गए थे। वहाँ ड्रॉपिंग का सबसे मेरा यादगार मैच था, 31,000 का टूर्नामेंट था, और जहाँ पे संजय भाई बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जयपुर से, उनके साथ हमारा मैच हुआ। बेस्ट ऑफ 3 मैच होते थे, शायद आज से 5-6 साल पहले की बात है, ये 5 साल के आसपास बात है, एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को। वहाँ उन्होंने
रवि रवि का जो गेम था रियलिटी में बहुत ही अच्छा गेम था उस टाइम भी, क्योंकि एक स्टारडम होता है हर एक प्लेयर का, एक पीक टाइम होता है 2 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद एज के साथ भी जॉब्स हो जाती है, फॉर्मेलिटीज हो जाती है, फैमिली हो जाती है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो वो मेरा यादगार मैच था। संजय भाई के साथ सेमी हुआ था हमारा, बोबास के साथ भी हम जीते थे, और फाइनल कमल भाई हर के साथ था। हाँ, बेस्ट ऑफ 3 था, और एक सेट वो जीत गए थे, एक सेट हम जीत गए थे। उस टाइम पे बाबा ने स्टार्टिंग की थी, बाबा स्कोरिंग के लिए स्टार्टिंग की थी, रवि ने ही स्कोरिंग करके मैच जिताया था। और लास्ट जो फाइनल था हमारा, एक सेट वो जीत चुके थे, एक सेट हम जीत चुके थे, फाइनल 15 पॉइंट का था, हमारे 6 पॉइंट थे, उनके गेम पॉइंट थे कमल भाई के फाइनल मैच में। तो 6 गेम से मैच खींचा था रवि ने, कंटिन्यू 7-8 गोल मारी थी, तो बहुत ही अच्छा मैच था। हाँ, मीडियम के अंदर हमारे यहाँ पे मुंडलिया गांव में, वहाँ मोदीपुर वगैरह अपने बच्चों से, यहाँ ग्राउंड के बच्चों से लेके हम यहाँ पे जीते थे मीडियम का टूर्नामेंट होता। नमस्कार रमन कुमार भाई, नमस्कार रमेश शर्मा भाई जी, बिल्कुल। सुडाना गांव में हुआ था भाई जी, बिल्कुल। आपका भी बहुत अच्छा सहयोग था बॉबी भाई। राम राम मोहित कुमार भाई, परवीन भाई राम राम। यस सांगवान, हरियाणा का बेस्ट सेंटर कौन है? सबकी अपनी भी सोच की बात होती है मेरे भाई। यस भाई, क्या है कि ग्राउंड, मेरी जो सोच कहती है, ग्राउंड में जो खिलाड़ी एंट्री कर गया, चाहे वो बिल्कुल नौसिखिया हो, वही प्लेयर है। हम ये बोलते हैं कि वो प्लेयर है, वो प्लेयर नहीं है, तो खिलाड़ी तो वही है जो ग्राउंड में एंट्री कर गया। हमें चाहे उसको कम खेलना आता हो, ज़्यादा खेलना आता हो, चाहे वो परफेक्ट हो, बस उसको एक डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस। जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है वो गेम को अच्छे तरीके से निकाल सकता है। हर एक खिलाड़ियों की अपनी अपनी भूमिका होती है। हम बोल देते हैं कि ठीक है सेंटर अटैक कर रहा है, सेंटर ही प्लेयर है, नहीं। मेरा जो मानना है क्या है कि एक कम्बिनेशन से गेम चलता है मेरे भाई, एक एक्सपीरियंस से गेम चलता है। वो किसी ने कहा है, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली। सुनना मेरे भाई, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाव छाव चली। तो एक्सपीरियंस मैटर्स मैटर करता है। अब क्या है कि सेंटर की बात करें तो हम सेंटर में बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, किसी को मैं परफेक्टली बोल भी नहीं सकता हूँ। वैसे कमल भाई, रवि शास्त्री भाई, अंकित पथरेड़ी से बहुत ही अच्छे सेंटर है, बिल्कुल। बस टीम का कम्बिनेशन डिपेंड करता है, टीम जिताती है, अकेला सेंटर नहीं जिताता। मैं आज ही आपको बोलता हूँ, टीम का कम्बिनेशन जिताता है। साइड्स, नेट, थर्ड थर्ड भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हर चीज़ें। और रही बात बेस्ट की, यश भाई क्या है कि दौर होता है। हमारे टाइम पे एक भारत रेवाड़ी से, बोड़िया कमालपुर से, उस टाइम पे उन्होंने कंटिन्यू 7-8 साल उनका बड़ा दबदबा रहा था हमारे इस रेवाड़ी में, रेवाड़ी पटौदी एरिया में। क्या है, मैक्सिमम टूर्नामेंट वो जीतते थे। उनका जो सेट था उस टाइम पे, बल्ली रेवाड़ी से, मनोज गेंदोखर से, एक बाऊजी होते हैं जय भगवान बाऊजी रेवाड़ी से, और गोविंदा नेटमैन, मेन उनकी जो रीढ़ की हड्डी था गोविंदा नेटमैन। अब वो नीचे वाले झोले वाले नेट होते थे, वहाँ नॉर्मल नेटर से बॉल भी नहीं उठती थी, और उस टाइम पे सारी बॉलें उठाता था कॉर्नर टू कॉर्नर। तो ये भी दौर है, एज के साथ साथ गेम भी ढलता है, तो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम। तो सभी प्लेयर अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। नमस्कार अनिल मान भाई,
राम राम भाई। राजेश संधू, राम राम भाई, बढ़िया। अरे जी बिल्कुल जीता भाई, आपने बात सही कही है। अभी क्या है कि मैं ये चीज़ फॉलो भी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। क्या है कि दोनों रीज़न है, 6 खिलाड़ी भी परफेक्ट है कि गेम थोड़ा सा टूर्नामेंट टाइम से निमट जाते हैं, कवरिंग का पता चलता है, फास्ट गेम चलता है। बट एक इश्यू भी है छोटा सा कि 7 खिलाड़ियों को ही क्यों प्रेफर करें। 7 खिलाड़ी में क्या है कि एक टीम में एक खिलाड़ी ऐड होता है। सपोज कीजिए टूर्नामेंट में 30 टीमें आती हैं, चाहे वो पंचायती हो, 5-2 हो, 6-1 हो, कैसा भी टूर्नामेंट हो, ओपन हो, मान लो एक टीम में एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा होता है, जो 7वां प्लेयर जो जिसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं कि 7 की जगह तुम 6 करो। 30 टीमें होगी तो 30 प्लेयर को हम बैठा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। हाँ, चाहे फेडरेशन कुछ रूल्स करे, एक्सेप्ट करेंगे हम, बट अलग अलग स्पॉन्सर्स होते हैं, टूर्नामेंट वाले होते हैं, तो सबका अपना अपना मत है। बाकी सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को। बिल्कुल बॉबी भाई, भाई इंडिया, चंद्रपाल भाई, इंडिया तो बहुत बड़ा है। अंकित, अंकित जून के साथ बहुत टाइम से खेला हूँ भाई मैं। तब पथरेडी इतना अच्छा सेट भी नहीं था, इन रियलिटी हम साथ खेले हैं स्टार्टिंग से ही। आज उसका गेम बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट, बट ये मेंशन करना कि इंडिया में कौन सी रैंक है, हम कोई प्रेडिक्टर नहीं है कि रैंक डिसाइड करें। हाँ, अच्छा गेम है तो अच्छा ही है। नीरज भाई क्या हाल है, वेलकम जयदीप भाई, वेलकम। बढ़िया प्रदीप भाई साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है यश भाई, थोड़ा सा वेट जरूर करना लॉकडाउन का। रमेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि फेडरेशन में ऐसा क्या कुछ होना चाहिए कि छोटी से छोटी टीमें फेडरेशन के सानिध्य में टूर्नामेंट कराना चाहे। अभी क्या है कि फेडरेशन के बारे में सबके अपने अलग अलग मत हैं, हम सब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि बड़े कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं। खेल तो हम भी रहे हैं, खिलाड़ी तो हम भी हैं, इंडिविजुअल पूछ के देखो अपने आप से कि हम कर क्या रहे हैं, गेम के लिए हमने किया क्या है। एटलीस्ट बहुत से प्लेयर मैंने ऐसे देखे हैं कि अपने विलेजेस में, अपने ग्राउंड पे भी, वहाँ भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, रियलिटी है ये। तो इंडिविजुअली क्या करता है पर्सन्स, तो बहुत सी चीज़ें होती है कि एक स्टैंड, रमेश भाई सबसे पहले इस गेम को एक स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं बोलना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले क्या है कि बहुत से टूर्नामेंट होते हैं एक पॉइंट्स पे, या फिर कि ये बॉल राइट है रोंग है, उस पर काफ़ी झगड़े हो जाते हैं, टीमें नाराज होके चली जाती है, ये हो जाती है। हम मीन्स क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या, हम कर क्या रहे हैं। अगर वहाँ कोई उच्च अधिकारी या फिर कोई फेडरेशन का जो कुछ हमारे लिए कुछ कर सकता है, गेम के लिए कुछ कर सकता है, ऐसा बंदा वहाँ देख रहा हो तो वो क्या थीम जाएगा, क्या मोटिव जाएगा। तो सबसे पहले हमें खुद को एक सुधार करना होगा हमारा, कि गेम के सुधार से पहले खुद का सुधार करें। सेकंड वन, कि ब्रॉडकास्ट मस्ट इम्पोर्टेंट, कि
क्या है कि जो मोटा भाई वगैरह अभी प्रेम भाई इंद्री से बहुत से पेजेस हैं अभी स्टार्ट हुए हैं जो इस ब्रॉडकास्ट को कि गेम्स वगैरह का ब्रॉडकास्ट वगैरह रेगुलर कर रहे हैं अभी, बहुत अच्छी बात है, तो उनको अप्रिशिएट जरूरी है करना। कुछ स्पॉन्सर्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से अपने अपने स्टेट से ऐसे कुछ ऐड किए जाएं जो गेम में कुछ इन्वेस्ट करें, लाइक किसी भी कंपनी के थ्रू, जैसे हीरोज कंपनी है, मारुति कंपनी है, जिसका भी जहाँ लिंक होता है, तो कुछ ना कुछ गेम के लिए करें। कोऑपरेशन जरूरी है मेरे भाई, कोई ये नहीं करेगा कि फेडरेशन का कोई मेंबर है या प्रेसिडेंट है वही सब कुछ करेगा, हम भी कुछ कर सकते हैं। एक छोटी सी पहल के लिए आपको बताता हूँ, एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्या है कि हमारे यहाँ पे पटौदी के चेयरमैन राकेश चेयरमैन जी हैं, उन्होंने खेल प्रेमी है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने पूरे पटौदी के अंदर 52 गांव आते हैं, सबको ये बोला हुआ है कि गेम से रिलेटेड कुछ भी इक्विपमेंट हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी आइटम्स चाहिए आपको तो निःशुल्क मेरे पास आकर ले सकते हैं, चाहे वो फंड्स के थ्रू दूं मैं या सेल्फ दूं, तो बहुत अच्छी बात है। और टूर्नामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे वो होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ भी जाके बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिखाते हैं, तो ऐसे हर जगह करना चाहिए। ये नहीं है कि ग्राउंड में बोल सब खिलाड़ी पैसे इकट्ठे करके लेके आए, कम से कम ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। मेन चीज़ है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए कि गेम का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्राउंड अरेंजमेंट वगैरह, रेफरीज जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, तो मस्ट इम्पोर्टेंट दिस चीज़। एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी है कि गेम से पहले एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो, किसी भाई का किसी भी चैनल्स या टीवी प्रोग्राम्स पे कहीं लिंक होता है, चाहे वो पेड हो, तो खिलाड़ी है सभी, अगर सपोज कीजिए एक खिलाड़ी 100 रुपये इकट्ठा करता है, आज के टाइम 5,000+ खिलाड़ी है, किसी फंडिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें किसी भी, तो एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ बैठे हुए जो सेंटर में बैठे हुए हैं, स्टेट में बैठे हुए जो लीडर्स हैं, उनको भी एडवर्टाइजमेंट दिखना चाहिए, पब्लिक को दिखना चाहिए। एक ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट ज़रूरी है। अभी क्या है कि जो नेशनल होता है, थोड़ी सी क्वेरी है नेशनल के बारे में कि नेशनल होता है अभी क्या, मैं अंडर 17 हैंडबॉल और खो खो में नेशनल हूँ जैसे, तो क्या हुआ हमारे भी स्कूल लेवल पे गेम होते थे, मैं नवोदय में पढ़ता था उस टाइम पे मैंने किया था, यहाँ के गेम सारा छूट गया। तो भाई साहब क्या होता है सभी कि स्कूल लेवल से कोई चीज़ें स्टार्ट होती है, तो हमें इस प्रोसीजर में लाना चाहिए कि हमारी फेडरेशन को वो चीज़ें स्कूलों में प्रोवाइड करें, स्कूल लेवल से गेम चलाएं हम, ऐसा कुछ प्रोसीजर ऐसे कुछ अरेंजमेंट हमको प्रोवाइड करनी चाहिए, तब पुराने खिलाड़ी कब तक खेलते रहेंगे, जब तक नए बच्चे नए खिलाड़ी तब तक नहीं आते तब तक कैसे खेल चलेगा। तो सपोर्ट को मेरे भाई साहब कुछ पॉइंट्स थे, ये किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। दिनेश बादरड़ के बारे में 2 शब्द बोलना, दिनेश भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हम कौन है भाई किसी के बारे में कुछ कमेंट्स करने वाले। बाकी इंसान अपना नेचर अपनी प्रतिबिंब स्वयं छोड़ता है, बहुत अच्छे इंसान है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट टूर्नामेंट, यश भाई रोहतक डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट टूर्नामेंट भाई मैंने विशाल नगर, रोहतक विशाल नगर में देखा है, और मैं 3 to 4 times उसको खेला भी है, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होता है। गौरव परासर, सॉरी भाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से है। धर्मेंद्र चैल भाई आप इनवाइट कर लो, आपके साथ खेल लेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है।
जहाँ विचार मिलते हैं, जो इनवाइट करते हैं, खेल लेते हैं। खुद की अभी टीम है नहीं, बच्चों ने स्टार्ट किया है जस्ट खेलना भी, तो थोड़ा सा करके उनको भी आगे ले जाएंगे। नमस्कार शिनू भाई, वेलकम। चंद्रपाल भाई, आपकी तरफ से बेस्ट प्लेयर कौन है भाई? किस जगह की पूछ रहे हो? पहली चीज़ आप, क्या है कि हर प्लेयर बेस्ट है अपने आप में, ठीक है, बट परफॉर्मेंस किसी की कभी अप हो जाती है, डाउन हो जाती है। अभी जैसे शिनू भाई का ही कंसल्ट हो रहा था कि शिनू भाई के अच्छे प्लेयर नहीं है, उनके टाइम का भी दौर था, आज भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जैसे मैं भारत का के बारे में बोल रहा था, भारत भाई भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ऐसे ही अभी चल रहा है, टीम्स होती है, कम्बिनेशन होता है, खासकर जैसे पथरेड़ी और चिराग दिल्ली का बहुत अच्छा कम्बिनेशन, जो नीरज और नीटे भाई का कम्बिनेशन मैच जिताता है मेरे भाई। बुंडू सावला, जयदीप भाई, संदीप उर्फ बुंडू बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। क्या है कि सबकी अपना अपना व्यूज़ होते हैं किसी के बारे में, कोई उनको अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है। बहुत ही अच्छे इंसान है, मैंने पर्सनली उनको देखा है, उनके साथ काफ़ी टूर्नामेंट्स खेला भी हूँ मैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। क्या है कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का, मुझको याद है कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टिंग में भुंडू ही था जो स्टार्टिंग में सबसे पहले आते थे, चिराग दिल्ली की टीम और सांपला की टीम, इनका सेट था अच्छा। और आज उन्हीं बंदों की देन है जो गेम इतना फॉरवर्ड हो रहा है, उन्हीं बंदों की देन है, क्योंकि उस टाइम उनको हराना एक विशाल पहाड़ की तरह होता था। जैसे जैसे कंपटीशन में आते गए, उनसे बहुत कुछ सीखा है, हमने भी सीखा है, तो सभी प्लेयर उनसे सीख रहे हैं, उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। बहुत अच्छे प्लेयर हैं जयदीप भाई, बहुत अच्छे हैं बिल्कुल। गोविंद अत्री, ड्रॉप किंग, आज के टाइम तो लंबे लंबे स्कोरर हो गए हैं, उस टाइम पे शिनू गुंडू बहुत अच्छे थे भाई। भाई आपका यादव नितिन, रेवाड़ी का बेस्ट टूर्नामेंट कौन सा है? रेवाड़ी का बेस्ट टूर्नामेंट हमने खेला था चांदावास, चांदावास में जो लास्ट टूर्नामेंट हुआ था पिछले साल, वो खेला था जहाँ सारी अच्छी टीमें आई थी। और निमोट में भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है चांदावास में, हम भी थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि नानुकुर्द में अच्छा टूर्नामेंट हो, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई बेस्ट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई से। जीते भाई, बात आपकी ठीक है, बट इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइमिंग बेस ठीक नहीं रहेगा इस चीज़ में, क्योंकि 15 पॉइंट का बेस्ट आई थिंक, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक चेंज का सिस्टम भी ज़रूरी है, या फिर जो 20-20 है या टाइमिंग सेट की, क्योंकि मैच ऐसे नहीं है, दोनों टीमें अच्छी होती हैं, तो किसी के साथ हम पक्षपात भी नहीं कर सकते, और इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम एकदम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
ना ही कोई एक्सेप्ट करेगा मेरे थिंकिंग में तो। बट हाँ थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। थिंकिंग अच्छी है ये। अंकित भैया राम राम। अंकित भाई अरे गोलू भाई बिल्कुल भाई धीरज डागर बहुत लेट टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं। अभी क्या था 6 महीने पहले मेरे को कुछ बॉम्बे काम था तो वहाँ पे मैं 3-4 महीने उधर ही रहा था। तो वहाँ कुछ टूर्नामेंट मैंने खेले थे जीते भी थे राज भाई के साथ। तो वहाँ का टूर्नामेंट की मेरे को खासियत क्या लगी कि 7 बजे से पहले ही टूर्नामेंट ख़त्म हो जाते हैं। चाहे कितनी ही टीमें आए 6 से 7 बजे तक टूर्नामेंट सारे ख़त्म हो जाते हैं तो टाइमिंग। और हमारे यहाँ पे क्या होता है 7 बजे टूर्नामेंट हमारे स्टार्ट होते हैं काफ़ी जगह। तो टाइमिंग मस्ट इम्पोर्टेंट, एक टाइमिंग से होना चाहिए। नमस्कार मुकेश भाई साहब। जसवीर भाई मेरे थिंकिंग में तो थर्ड बॉल अंडर हैंड बेस्ट रहेगा बिकॉज ये पक्षपात भी होगा ड्रॉपिंग वालों के लिए, वो बोलेंगे कि ये सही नहीं है। बट गेम अच्छे चलते हैं थर्ड बॉल अंडर एंड में, नेट एक परफेक्ट हाइट पे हो, ग्राउंड नेट बॉल अच्छे हो तो गेम देखने के मजे आते हैं। जी भाई बॉबी भाई ने अरेंज कराई थी जोनी की बॉल थी प्रदीप भाई, वो वाली बॉल मैंने भी मंगा के रखी है, बहुत अच्छी बॉल है भाई। निखिल भाई जॉन सिन्हा के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या कहूं भाई उसके बारे में, स्टार है वो तो, बहुत ही अच्छा प्लेयर है क्योंकि जुनून है उसमें, एक जुनून अलग दिखता है। वो बोलते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया ने कैसे बना आशियाना, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। तो उस बंदे ने जुनून है, एक जोश होना चाहिए खिलाड़ी के अंदर। हालांकि हमारे ही ग्राउंड पे खेला है, हमसे ही सीखा है, आज के टाइम बहुत अच्छा प्लेयर है। थैंक यू नरेंद्र भाई। ये राहुल भाई है हमारे ग्राउंड के स्टार। धीरज भाई जी भाई बिल्कुल मौका मिलेगा तो खेलेंगे जरूर जहाँ सवाल। नरेश भाई राम राम। दीपक राव भाई संदीप उस बच्ची बोलते हैं उनको, बहुत ही अच्छे सिंसियर इंसान है। मैं उस तरफ काफ़ी टूर्नामेंट खेलने गया हुआ हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान है, रेस्पेक्ट करते हैं, बाहर के लोगों की इज्जत करते हैं और गेम के लिए कोऑपरेटिव। जी जी मौका मिलेगा तो ज़रूर जॉन सिन्हा को भी लेके आएंगे भाई आपके समक्ष, उन्हीं से सवाल जवाब कर लीजिए आप। थैंक यू भाई चंद्रपाल भाई। थैंक यू राम राम कमल भाई। स्टार जुड़ गए हैं भाई, कमल भाई, नरेश भाई, पहलवान साहब। बिल्कुल भाई
अभी क्या है कि बहादुरगढ़ टीम को कभी भी इनवाइट करना हो तो भाई भंडारा जरूर होना चाहिए, और सबसे पहले अंकित पहलवान भाई साहब को इनवाइट करो यार। मैंने यार बहुत सारे सेट में खेला हूँ, मैक्सिमम 80-90% अच्छे जो सेट हैं अपने हरियाणा के, मैक्सिमम सभी में खेल चुका हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को जो बहादुरगढ़ का सेट था, सबसे अच्छा सेट था हमारा, सबसे सक्सेसफुल, और सबसे ज़्यादा मज़ा भी उसी में आया। एक अलग सा एहसास होता है। जी भाई बिल्कुल कमल, उसको खेलना भी है। रमन भाई, वो भी भाई को मैं देखते कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, 7-8 साल, 7 साल के आसपास, 6-7 साल हो गए हैं। मैं उस टाइम पे पथरेड़ी में खेलता था। उनके कुछ यहाँ रिलेटिव्स हैं तो उनका काफ़ी आना जाना, और गेम्स के लिए कई प्लेयर्स बोलते हैं कि कोई प्लेयर ऐसे जा रहा है जा रहा है, सोचने वाली बात है। एक सिंगल अकेला इंसान बिना किसी पर्सनल व्हीकल के चिराग दिल्ली से राजस्थान पहुंच रहा है खेल के लिए, चाहे वो खेल रहा हो या बाहर बैठा हो, गेम को सपोर्ट करने के लिए, खेलने के लिए, देखने के लिए। तो अप्रिशिएट करता हूँ भाई आपके जुनून को, उम्र चाहे ढल जाए पर जोश नहीं ढलना चाहिए। बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं वो भी भाई। राहुल, अंकित बहादुरगढ़ के बारे में बताओ, सुपर प्लेयर है भाई। कभी उनके साथ मैंने बहुत से टूर्नामेंट खेले, ड्रॉपिंग के भी खेले, थर्ड बॉल जंप के भी एक दो टूर्नामेंट मैंने उनके साथ खेले, और अनरैंड के भी खेले। कभी भी उस इंसान को मैंने नर्वस होते नहीं देखा, चाहे सिचुएशन कैसी ही हो, चेंज करना हो वो करना, उसको अपना गेम खेलने से मतलब है बस। कभी भी कोई टीम खड़ी हो, चाहे वो अकेला खड़ा हो, अभी बाद में जैसे अपने बच्चों को, बहादुरगढ़ के जो नए नए बच्चे हैं, नए खिलाड़ी हैं, उनको लेकर अकेला खड़ा है टूर्नामेंट में, तो जोश है उस बंदे में। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी और बहुत ही अच्छे इंसान है। बिल्कुल भाई प्रदीप भाई बिल्कुल, रामगढ़ गांव से हुड्डा के बारे में, प्लेयर सभी अच्छे हैं भाई, बस किसी को प्लेटफॉर्म मिलता है, किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, हर चीज के पीछे एक स्ट्रगल होती है। राजू गोधरा सबसे अच्छा भाई, सभी है जो ग्राउंड में खड़ा हो जाए वही अच्छा प्लेयर है, बस उसे मौका मिलना चाहिए, एक बार नहीं दो बार नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा मौका। बिल्कुल चंद्रपाल भाई, अकेड़ा की टीम पंचायती टूर्नामेंटों में एक उभरती हुई टीम है। पंचायती सेट बहुत अच्छा है उनका, यहाँ गुड़गांव से, और बहुत ही अच्छे सिंसियर प्लेयर हैं सारे। ये सारा कोऑपरेशन दीपक दीपक भाई को भी जाता है और आप सभी को भी जाता है, तो बहुत ही अच्छे उभरती हुई टीम है, अच्छी टीम है। राम राम नैतिक भाई, नरेंद्र भाई, वो भी भाई ऐसा कुछ नहीं है, दिन दिन की बात हो जाती है, गेम गेम की बात हो जाती है। हर एक टीम का अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग तरीके से मैच निकाले जाते हैं, कोई अटैक से दबती है, कोई डिफेंस से दबती है कोई टीम, तो डिपेंड करता है कि टीम कौन सी है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि किससे दिक्कत आती है, दिक्कत वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सभी टीमों में खेले हुए, सब अपना एक परिवार सा लगता है। हाँ खेल है, उसमें हार जीत दो पहलू हैं, बहुत सी हार भी नसीबी हुई हैं, जीत जीते भी हैं, तो उससे दिल नहीं टूटता वो हार जीत के ऊपर। मेरे को एक बात याद आ गई है, जब टूटने लगे हौसले तो
तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो हार जीत, हार के बाद ही जीत होती है, तब तक हारेगा नहीं, हार हमेशा सिखाती है कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लड्डी भाई अच्छा अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। भालोट की टीम के बारे में, अभिनव भाई भालोट को मैंने एक आज से शायद 5 साल पहले फर्स्ट टाइम देखा था, 4 साल 5 साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। मैं उनमें काफ़ी टूर्नामेंट्स खेला भी हूँ। कुछ चुनिंदा टीम ही ऐसी है, चाहे गेम हार रहे हो जीत रहे हो, बॉल बिगड़ रही हो या हमसे गलती हो रही हो, तो पिन ड्रॉप साइलेंस खेलते हैं। उस टीम की एक खासियत है, चाहे मेरा गेम कितना गंदा जा रहा हो उनके अंदर या किसी भी अदर पर्सन का कितना भी खराब गेम जा रहा हो, तो वो पिन ड्रॉप साइलेंट खेलते हैं। ये नहीं आपस में झगड़ा करते हैं, तूने ये बॉल बिगाड़ा, ये किया वो किया, चेंजमेंट वगैरह नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट खेलते हैं। और स्पेशली उस टाइम ये नेट और सारे प्लेयर मतलब कि लिटिल एज में थे। जीता भाई ने कोऑपरेट किया बहुत ही, अपने मतलब कि सारे बच्चों को खिलाड़ियों को सामने लेकर आए, और आज के टाइम पंचायती के अंदर एक कहीं ना कहीं अच्छा स्टैंड करते हैं, बहुत ही अच्छी टीम है। शायद मेरे हिसाब से कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिनको इन्होंने हराया नहीं हो, अच्छी टीमों को। नमस्कार विजेंद्र भाई, खाली निमोट के बारे में बताओ। दीपक भाई स्टार्टिंग के टाइम पे हाली निमोठ दूसरा रवि बहादुरगढ़ था, उस मैंने बहुत से मैच देखे हैं, निमोठ की टीम ने मैक्सिमम टीमों को हराया हुआ है, और स्टार्टिंग के टाइम जो भी उनके साथ खेलता है फर्स्ट टाइम हारता ही है, मैंने बहुत टीमों को देखा है। उनके पास एक गजब फोर्स है, हालांकि उनकी एज थोड़ी सी अब ज़्यादा हो गई है तो गेम पर बरकरार है, तो तारीफ के योग्य हैं सारे निमोठ से प्लेयर और स्पेशली हाली भाई। विक्की भाई यही तो स्पेसिफाई चीजें हैं कि कुछ बॉल्स नेट और स्पेसिफिकेशंस, कहीं ग्राउंड्स 34 के होते हैं, कहीं 32 के होते हैं, कहीं 28 के भी होते हैं, जहाँ पे ना ही गेम चल पाता है, कहीं पे नेट बिट्टू के होते हैं, सागर के होते हैं, या सिंपल नॉर्मल नेट भी होते हैं जो पुराने टाइम के झोले वाले। तो यही तो स्पेसिफिकेशन है फेडरेशन वगैरह के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए इसी तो बोल रहे हैं कि टूर्नामेंट हो तो एक पर्टिकुलर विज़न क्रिएट हो जाए, यानी कि खिलाड़ी को टूर्नामेंट में जाए तो ये लगे कि हाँ हम जिस ग्राउंड पे खेलते हैं वैसा ही ग्राउंड है। एक यूनिक बॉल होनी चाहिए, कई बॉलें लाइट वेट होती हैं, जैसे लक्की गोल्ड की वाली वो जो बॉल है बहुत ही लाइट है, और आई थिंक आई प्रेफर सागर 32 नंबर 0 साइज बेस्ट बॉल, एंड न्यू वन इज जोनी की जो बॉल है, मैं 3-4 महीने से उसको काफ़ी ट्राई किया है, बहुत ही अच्छी बॉल है। नजफगढ़ की टीम भाई बहुत ही अच्छी टीम है प्रवीण भाई, बहुत सारे टूर्नामेंट खेला हूँ नजफगढ़ की टीम में। मंचल भाई ने स्टार्टिंग किया था, थर्ड खेलते थे हमारे साथ उस टाइम पे, मोनू भाई, सोनू भाई और अनिल भाई, उस टाइम पे उनका गेम पीक में था, बहुत ही अच्छी टीम है, सारे हंसमुख मिजाज के बंदे हैं, खेलने में उनके साथ बड़ा मजा आता है। रमन भाई चकदे भाई स्टार हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही सिंसियर प्लेयर हैं, मैंने बहुत से प्लेयरों को देखा है एक फेम पर जाने के बाद कुछ अहंकार आ जाता है, अहम आ जाता है, बट
उनमें ये चीज़ नहीं है, हमेशा कोऑपरेट करते हैं। बहुत ही अच्छा इंसान है चकदे भाई। मामड़िया के बारे में, पवन भाई मामड़िया आज से 5 साल 7-8 साल पहले बहुत अच्छी टीम थी रेवाड़ी की। उस टाइम पे 5 स्टार जीआरपी क्लब, एक बासलाम्बी और एक मामड़िया, ये 4-5 सेट बहुत ही अच्छे होते थे। बट मैं बहुत ही निराश हूँ इस चीज़ से कि 3-4 साल से गेम उन्होंने बंद कर दिया है, मुझे प्लेयर दिखते ही नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर थे। नेट की परफेक्ट हाइट डिपेंड करता है भाई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर पे सबसे पहले तो, बिकॉज सब अपना बेनिफिट देखते हैं। बट मेरे हिसाब से अच्छे मैच जहाँ चलते हो, जहाँ अगर पब्लिक को या मैच अच्छे देखने हो, तो 7-10 परफेक्ट हाइट है। रवि बात द्रविड़ के फोर्स के बारे में, राहुल भाई मैंने अपनी एंटायर लाइफ में अब तक बहुत सी टीमों में खेल चुका हूँ और बहुत सी टीमों को मैंने खेलते हुए देखा है। रवि बहादुरगढ़, रवि भाई का जो फोर्स है, परफेक्ट फोर्स की जो बॉल लगी हुई है, तो आई थिंक वो उठ नहीं सकती। हाँ अभी क्या है कि उन्होंने गेम छोड़ा हुआ है, प्रैक्टिस, ये गेम प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस नहीं रहती तो प्लेयर क्या है कि अप डाउन लेवल्स हर चीज़ चलती रहती है, गेम प्रैक्टिस का है। बाकी बहुत अच्छा फोर्स है, आज के टाइम में भी सबसे अच्छा फोर्स उनका है मेरी राय में, पर खेलते हुए उन्हें बहुत कम देखा है उनको अभी लास्ट टाइम। जी भाई ये जरूरी है। नए खिलाड़ियों को संदेश, वो भी भाई मेरी तरफ से क्या है कि जब तक बड़े सीनियर्स प्लेयर अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, अपना प्लेस नहीं छोड़ेंगे, तब तक नए प्लेयर एंट्री कहाँ करेंगे। किसी भाई को बुरा लगे तो सॉरी, पर एंट्री उनके उनको मतलब कि 1 by 1 प्लेयर करके टीमों में एंट्री देना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। बिकॉज मैं भी उस टाइम इस चीज़ से, मैंने ये समय देखा हुआ है कि किसी टीम में खेलने के लिए एक सिंगल वन प्लेयर जो एक अकेला अपने गांव में खेल रहा हो, 10 किलोमीटर डेली जाता हो खेलने के लिए, ना उसके पास कोई टीम हो, ना कोई प्लेटफॉर्म हो, पर्सनल उसका कोई होम ग्राउंड नहीं हो, 10 साल से कंटिन्यू मेरे गांव में कोई ग्राउंड नहीं था, तो बहुत दुख भी होता है। तो नए खिलाड़ियों को मोटिवेट करना चाहिए, आप जैसे खिलाड़ी वही मोटिवेट करेंगे उनको, तो उनको आगे लाना चाहिए। आई अप्रिशिएट दिस। तो बिल्कुल वो भी भाई सही बात आपकी। जो जो भाई बहुत अच्छे इंसान है, थैंक यू नरेंद्र भाई। विपिन राम राम भाई, विपिन भाई बहुत अच्छे, दया दृष्टि है बस आपकी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई आप। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इन चीज़ों को सपोर्ट करें, क्योंकि गलती सब निकाल सकते हैं मेरे भाई, किसी का मैं पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी गलतियां निकाल सकते हैं। किसी ने कहा है कि इंसान खुद की गलती पे तो वकील बन जाता है, इंसान खुद की गलती पे तो वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पे जज बन जाता है, तो सबको भाई देखना चाहिए, गलती कोई भी निकाल सकता है। भारत और बागी के बारे में, भारत बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, उनके गुरुजी बागी रेवाड़ी से बहुत ही अच्छे प्लेयर थे भाई, नाम सुना है उनके साथ, उस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग किया था, उस टाइम पे उनका गेम देखा था, रियलिटी में बहुत अच्छा गेम था, बट वो एक दौर था, आज एक अलग दौर है, गेम बहुत मॉडर्न हो गया है, नेट हाइट और ग्राउंड वगैरह बहुत लेवल अप हो गया है, तो बहुत ही अच्छे प्लेयर थे उस टाइम पे, हम आज के टाइम से उनको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज उस टाइम पे कंडीशन उस तरीके की थी। मोटे भाई के बारे में, बहुत ही अच्छे इंसान है यार,
हंसमुख मिजाज हैं, उनके पास आप बैठते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हंसते नहीं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। हमारे सेट में एक थर्ड पोजीशन ऐसी थी जो कोई नहीं खेल पाता था, बहादुरगढ़ का जो सेट हमारा चला था, और रवि जैसे उनकी हाइट अच्छी है तो उनके पीछे एक छोटी हाइट का प्लेयर थर्ड, बिकॉज बॉल भी जब छुटती है तो दिखाई नहीं देती, तो थर्ड के खेलना बहुत ही टिपिकल था, मुझसे भी नहीं खेला जाता था भाई, ना ही जेंगो खेल सकता था ना मैं खेल सकता था, तो इम्पोर्टेंस मोटे भाई की थी, और आज भी मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि मोटे भाई से अच्छा थर्ड आई थिंक बहुत अच्छा खेलते हैं, यंगेस्ट बेस्ट नेटर मनीष भाई। आई थिंक यंगेस्ट में बात आती है तो नजफगढ़ से नोनू नाम है, क्या नाम है उसका नेटमैन का, बहुत अच्छा खेलता है भाई, और भालोट से भी जो नेटमैन है वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। राम राम नरेंद्र भाई। नजरिया है मेरे भाई, तरुण भाई नजरिया है, मैं दोनों के साथ ही खेल रहा हूँ, मंचल के साथ भी खेल रहा हूँ, रवि के साथ भी खेल रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर है मंचल भी, हमारे साथ ही स्टार्टिंग किया था, नजफगढ़ टीम को मेनली मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ही उनकी मतलब सराहना करता हूँ कि उन्होंने मंचल को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे तैयार किया है, और हमारे बहादुरगढ़ का जो सेट था उसमें भी मंचल ने एक अच्छी भूमिका निभाई थी, बहुत ही अच्छा खेलता था, बिकॉज प्रैक्टिस है जितना, एक्सपीरियंस मैटर्स करता है इस चीज़ में, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी, जितना आप गेम खेलोगे तो उतने ही एक्सपीरियंस आपका होगा और उतने अच्छा आपका गेम होगा। बट आई थिंक रवि की फोर्स भी बेटर है, अब भी कहता हूँ मैं ये चीज़ मेरे भाई, बिकॉज बॉल पैटर्न होता है बॉल को शूट करने का, मंचल लेफ्टी है, लेफ्टी का उसको बेनिफिट है, बट रवि का जो एक्शन है वो डीप थ्रो जाता है, तो ये मैटर करता है, दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा फोर्स है आज के टाइम पे दोनों का। बिल्कुल नरेश भाई, कि राहुल जोन बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, क्या है कि मैंने ये चीज़ बोल चुका हूँ, प्रैक्टिस और हर एक प्लेयर का एक फेम होता है कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, ये डिपेंड करता है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कोऑपरेट करते हैं, उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो कोऑपरेट करते हैं गेम में, करते हैं चाहे आपस में मिलना जुलना हो या कुछ अदर एक्टिविटीज़ हो, किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो बहुत अच्छे इंसान है, गेम तो क्या है चलता है, अप हो जाता है डाउन हो जाता है, ये तो सब एज और प्रैक्टिस के ऊपर चीज़ें चलती हैं, बट इंसान होना अच्छा जरूरी है सबसे पहले, तो अच्छे इंसान है। विजेंद्र फोगाट भाई बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत प्लेयरों को उभारा है उन्होंने, मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा, जी बॉबी भाई बिल्कुल, तो सभी कमेंट्स वालों से अनुरोध है कि मोटे भाई के पेज पे जब तब भी आप कमेंट्स लिखें तो हिंदी में लिखें, उनकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं। थैंक यू विपिन भाई, बिल्कुल सही कह रहे शिनु भाई, इनकी बात ही सबसे सेपरेट है, तभी ये यूनिक है। संजय भाई हमारे कैथल से, कैथल जिंद की बहुत ही अच्छी टीम है जो मिक्स होके आती है, मैक्सिमम हमारे इन टूर्नामेंटों में भी आती है, कई टूर्नामेंट ऐसे देखे हैं जहाँ पे उनको रेंट भी नहीं मिल पाता फिर भी वो खेलने आते हैं, तो मैं उनका अप्रिशिएट करता हूँ, और बहुत ही अच्छा गेम दिखाते हैं, बहुत से टूर्नामेंट जीतते भी हैं,
और बहुत ही अच्छे प्लेयर है आई थिंक, बिकॉज एक कम्बिनेशन के साथ खेलते हैं ना, कोई ड्रामा गेम के अंदर ना कुछ और, तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और संजय भाई आपने जो टूर्नामेंट कराया था बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था, मैं खेलने गया हुआ था आपके वहाँ पे कैथल में, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था, सारी टीमें बहुत ही अच्छी अच्छी आई थी वहाँ पे। मलिक साहब बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई जी। दानवीर प्रेम के बारे में बहुत ही कूल पर्सन है, गेम के अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि गेम के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन हर इंसान को आता है, हर प्लेयर को आता है, क्योंकि बिकॉज एक प्लेयर तब मेहनत करता है और एक लेजी खेलता है, तो गुस्सा होना लाजमी है। बट इन बाई नेचर दानवीर भाई और प्रेम भाई बिल्कुल प्लीजेंटली, बिल्कुल कूल, ऐसे बात करते हैं जैसे एक फैमिली टाइप में हो, साउंड भी नहीं सुनते कई कई बार तो उनकी, बहुत ही अच्छे इंसान है। बिल्कुल भाई, नए नए प्लेयर आएंगे। मेरे कैरियर का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट, मेरे कैरियर का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट भाई मोला हेड़ा गुड़गांव के अंदर जो था वो था, बिकॉज उसके अंदर बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया था, सारे प्लेयर ही बहुत ही अच्छे खेले थे, रवि भाई का भी गेम अच्छा था, मेरा गेम भी अच्छा था, बिकॉज मैक्सिमम पट्टी उसी टूर्नामेंट में पड़ी थी मेरी साइड से। और जयपुर उस टाइम पे अंडर हैंड के अंदर जयपुर एक अच्छी टीम थी, आज भी अच्छी है, बट अनबीटेबल टीम थी उस टाइम पे, चिराग दिल्ली और जयपुर दो ही कम्बिनेशन में होते थे, और वो टीमों से कभी हारती नहीं थी जयपुर, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी। उस टाइम पे जयपुर और हमारा बहुत ही अच्छा मैच चला था, पथरेड़ी के साथ बहुत अच्छा मैच चला था, जिसमें चकदे भाई, नरेश, आई थिंक नरेश भाई नहीं थे शायद, नरेश भाई भी थे, काले भाई, नीरज, नेटा, तो बहुत ही अच्छा मैच था वो, टूर्नामेंट हम जीते थे, रिमेम्बरेबल इन माई लाइफ मोलेडा टूर्नामेंट, और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट कराया था भाई। मलिक भाई मैंने स्टार्ट गेम खेलना वैसे 2008 में किया था, मैं 8th क्लास में था, 2-3 साल मैंने नेटमैन नेट खेला था, नेट खेलते थे हम, 3 साल के आसपास मैंने नेट खेला था, एज जितनी नहीं थी, काफ़ी छोटा था मैं। उसके बाद स्कोरिंग वगैरह पे या फिर आगे पीछे बस ऐसे, बिकॉज बॉल भी क्रॉस नहीं होती थी, मुझको याद है तब मैं नेट खेलता था, बॉल क्रॉस नहीं होती थी मेरे को। बहुत ही अच्छा इंसान है दिनेश बहादुरगढ़ भाई, बंटी भाई बहुत ही अच्छा इंसान है, हसमुख मिजाज है, गेम क्या है, गेम तो अप डाउन, हार जीत ये सब चीज़ तो चलती रहती है। नहीं प्रदीप भाई ऐसी बात नहीं है, बदमाश नहीं होते क्या कि वैसे हम देखते हैं, यहाँ एक पटौदी एक टूर्नामेंट था, पटौदी टूर्नामेंट जो फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट हुआ था, तो पथरेड़ी प्लस चिराग दिल्ली इन्होंने जीता था, तो इम्पोर्टेंस की बात बताता हूँ कि उस टाइम पे सांपला की टीम में योगी सांपला शायद मिक्स थे उनके साथ, उनका फाइनल था, हाफ से ज़्यादा लीड थी उनके सांपला के पास, फिर भी बिल्कुल नीचे से उठ के उन्होंने 6-6 से 21 तक गेम निकाला था पथरेड़ी ने, अच्छा टूर्नामेंट था, अच्छा गेम दिखाया था उस टूर्नामेंट को, मैंने वो पूरा मैच देखा था उस टूर्नामेंट में, अकेला मैच निकालने वाला नीटा भाई था जो साइड खेले थे, साइड खेल के उन्होंने मैच निकाला था। तो हर एक पोजीशन की अपनी अपनी अहमियत होती है, ज़रूरी नहीं है अटैक से ही मैच आता है, हर एक पोजीशन की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, डिफेंस भी ज़रूरी है, अटैक भी ज़रूरी है। गोहाना के सभी सभी खिलाड़ी बहुत ही अच्छे हैं, अमित भाई मैं सबको पर्सनली जानता भी हूँ, बहुत ही अच्छे, और लेफ्टी के साथ मैं टूर्नामेंट भी साथ खेला हुआ हूँ, लेफ्टी के साथ बहुत ही अच्छा प्लेयर है,
जंप भी अच्छा है उसका और इंसान भी अच्छे हैं भाई। आप शिनु भाई ने बोला है, बोभी भाई आपकी सोच अलग है, आप ऐसे ही पॉइंट उठाते हो तो आप यूनिक हो ना, कुछ भी कह सकते हो आप, आपकी सोच भी अलग पाएगी। थैंक यू प्रेम भाई, बहुत अच्छा काम किया है आपने भी, फेसबुक पेज स्टार्ट करके लाइव प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा है। बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, जब तक हम इनका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तब तक आई थिंक गेम को आगे नहीं ले जा सकते हम। वो किसी ने बोला है, समय के साथ नहीं चलोगे तो पिछड़ जाओगे, तो समय के साथ बहना ही ज़रूरी है। जी दिनेश भाई कल लाइव आएंगे, भाई सुरेंद्र भाई कुछ इंटरनल चीजें होती है हालांकि पब्लिकली नहीं कर सकते इन चीजों को, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वही सेट बरकरार है, साथ खेल सकते हैं, ऐसा कुछ मनमुटाव नहीं है, ना ही सेट हमारा टूटा है। बस हमारे जो अंकित भाई है, पहलवान भाई, वो उनकी ड्यूटी लग गई है, मतलब जॉब वगैरह है, थोड़ा सा उनको टाइम नहीं मिल पाता है। रवि भाई है, वो लुधियाना है, तो टाइम से टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ ही टूर्नामेंट में पहुंचते हैं। अच्छा जेंगो भाई आजकल हमारे जिम करने लग गए हैं, तो उनको उन्हें गेम से थोड़ा सा पार्ट हो चुके हैं। और रही बात खेलने वाला खिलाड़ी, उसको तो जहाँ भी चाहेगा वो खेल सकता है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप भाई अच्छी टीम में ही खेलो। नहीं, मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, मेरे को खेलने के लिए बोलो यार, तो चाहे वो लो वाली टीम हो या अपर टीम हो, कोई सी भी टीम हो, खेलना है, खेलने से मतलब है बस। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेट बन भी सकता है सुरेंद्र भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, मैं भी था। अमित लोचप भाई, साथ ही सबको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन का, सबका अपना अपना एक दायित्व होता है कि हम खेल के लिए क्या कर रहे हैं यार। हम रेज कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को कि भाई तुमने ये गलत किया, अच्छा किया, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बट यार सिंपल सी चीज़ है, हम क्या कर रहे हैं, डिपेंड खुद को तो करना चाहिए। नए प्लेयर को सामने लेके आओ, अच्छा खिलाओ, खेल के लिए कोऑपरेट करो, ठीक है, एटलीस्ट कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है, तो कमेंट से अच्छा उनको अप्रिशिएशन देना भी जरूरी है। उभरता हुआ सितारा है नैतिक भाई, अंकित भालोट, जी बिल्कुल रमन भाई, बिकॉज एक डिसिप्लिन जरूरी है गेम के अंदर, कॉम्बिनेशन डिसिप्लिन से ही बनता है, एक डिसिप्लिन होगा तभी कॉम्बिनेशन चलेगा और कॉम्बिनेशन से ही विनिंग होती है, तो एक प्लेयर जरूरी है। और मैं सभी जो खेल से जुड़े हुए सभी भाई हैं, सबको, जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, सबको बोलना चाहूँगा कि नए खिलाड़ियों को सामने लेकर आए, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन करें। और जो हमारे स्टार हैं, स्टार भाइयों को भी एक मैसेज देना चाहूँगा मैं, बुरा ना लगे तो, कि जैसे जीता भाई, विपिन भाई, बोबी भाई, ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट कर रहे हैं, अब मेरे को भी ये नहीं पता सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो खेल के लिए कर ही रहे हैं यार।
आप क्या कर रहे हो, ये मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, जो स्टार प्लेस है आपने किया क्या है, आप भी करो कुछ ना कुछ, अप्रिसिएट करो मेरे भाई। ये नहीं है कि टूर्नामेंट खेले, विनिंग की, उसके बाद बस घर। फ्री का फेम नहीं होता, कुछ ना कुछ तो आने वाले खिलाड़ियों के लिए करो, बिकॉज ये तो 2 साल 4 साल 5 साल गेम अप डाउन चल जाएगा। आप कोई सेंटर खेल रहा है तो वो साइड में खड़ा हो जाएगा, कोई स्कोरिंग पे खड़ा हो जाएगा, बट नए खिलाड़ियों के लिए कुछ करो। भाई प्रोटीन का डब्बा जॉन सिना के पास मिलेगा, भाई जी मैं विकास यादव पटौदी गुड़गांव से, हरियाणा से। बिल्कुल राहुल सही कह रहे हो, जयदीप चुलाना और मोटे भाई के बारे में दो शब्द, बहुत ही हसमुख इंसान है और अपना थोड़ा मेरे 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 साथ क्लोज भी हैं दोनों ही। और जयदीप के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, बिकॉज मैं पथरेड़ी में खेलता था उस टाइम पे, सेट चेंज हो गया था एक उस एरिया से जो रोहतक दिल्ली उस इलाके से जोड़ने वाला, मुझे बहादुरगढ़ सेट से जोड़ने वाला जयदीप है, बिकॉज एक टूर्नामेंट में उन्होंने गेम देखा, उन्होंने मेरे को बोला कि आप हमारे साथ खेल लो, तो बहुत ही अच्छे इंसान है, काफ़ी पर्सनली उनके घर भी जा चुका हूँ मैं, गेम के बारे में सपोर्टिव है। मोटे भाई है, रात के 12 12 बजे तक, ठंड में भी सुबह 4 बजे तक लाइव चलाते रहते हैं, तो और घर बैठे जो प्लेयर्स हैं सभी कहीं भी हो लाइव गेम देखते हैं, तो उनका तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छे मोटे भाई। बिल्कुल भोभी भाई, टाइम की वैल्यू कोई नहीं समझता है, यही तो है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग होनी चाहिए कि ये टाइमिंग है, उसके बाद स्क्रैच आउट। बिकॉज ये 2 4 बार ये चीज़, एक जैनाबाद में मैंने टूर्नामेंट देखा था, जैनाबाद ढाईनर रेवाड़ी के पास, वहाँ एक टूर्नामेंट मैंने देखा था, छोटू भाई ने कराया था, जो वहाँ पे जितनी टीमें पहुँची थी टाइमिंग उन्होंने दिया था, एक दिन पहले एंट्री करा ली थी, टाइमिंग उन्होंने शायद 1 बजे का दिया था, 12 बजे का टाइमिंग दिया था, और आधे घंटे की उसने छूट दी थी कि तब तक कोई पहुँचना चाहता है पहुँच लो वरना नहीं। तो शायद मेरे ख्याल से 10 12 12 13 ही टीमें पहुँची थी, और काफ़ी टीमें फोन्स आ रहे थे, हम इतना किलोमीटर है इतना किलोमीटर है, किसी की भी एंट्री नहीं ली उन्होंने, जितनी टीमें थी 10 12 टीमें थी वो सारी टीमें थी। नेक्स्ट टाइम इन्होंने टूर्नामेंट कराया या उस एरिया में जो टूर्नामेंट हुआ है सारी टीमें टाइम पे पहुंची है, या हमारे राजस्थान में जितने मेले वगैरह होते हैं, मेले पे जो जो भी टूर्नामेंट होते हैं, उन टूर्नामेंटों की खासियत क्या है कि वो टाइमिंग डिपेंडेंट होते हैं, राजस्थान के सारे टूर्नामेंट वहाँ टीमें सारी टाइमिंग से पहुँचती हैं, बिकॉज काफ़ी बार कई टीमें वापस आ चुकी है, तो एक दो बार तो किसी ना किसी को पहल करनी ही पड़ेगी, टाइमिंग मस्ट इम्पोर्टेंट। राम राम मंगतू भाई, डॉक्टर विनोद के बारे में, बहुत ही सीनियर प्लेयर है भाई, मेरे से पहले उन्होंने गेम स्टार्ट किया था और हमें सिखाया भी है, मंगतू भाई और डॉक्टर साहब ने। हाँ कुछ समय के कारण वो खेल खेल छोड़ गए थे, बट सभी छोटे बच्चों को, सभी को कोऑपरेट करते हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। जाथर भाई के साथ बहुत टूर्नामेंट खेले भाई, राहुल भाई, जाथर भाई, मैं कम से कम काफ़ी टाइम से उनको देख रहा हूँ, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, उनका गेम भी बिल्कुल स्टडी है, बिल्कुल जैसा पहले गेम था वैसा ही गेम उनका आज है। बहुत से कम प्लेयर मैंने ऐसे देखे हैं जिनका गेम बिल्कुल स्टडी होता है, किसी का अप हो जाता है गेम, किसी का डाउन हो जाता है, पर जाथर भाई का जो गेम है, आज से मैंने 6 साल पहले रेवाड़ी टूर्नामेंट था उस टाइम पे हम खेले थे, रेवाड़ी टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम स्टेडियम के अंदर टूर्नामेंट था, जिस टाइम उनका वैसा गेम था आज भी उनका वैसा ही गेम है, तो गेम इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, ऐसे बहुत कम प्लेयर होते हैं। जाथर भाई की एक खासियत बताना चाहूँगा, जो लेफ्ट ही राइट ही दोनों चलता है जिनका, उनका दोनों ही चलता है स्कोरिंग पर से, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं।
राम राम आनंद भाई। अपनी जिंदगी का जो फर्स्ट क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर भाई लाइव का फर्स्ट टूर्नामेंट हमारे यहाँ लोकल खोड़ के खोड़ से खेलते थे हम, एक ही ग्राउंड पे खेलते थे। मेरे गांव में कोई ग्राउंड नहीं था तो स्टार्टिंग से ही खोड़ में खेला हूँ मैं। तो हम काफ़ी टूर्नामेंटों में जाते नियर बाई, उस टाइम पे इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, सिस्टम नहीं था कि वहाँ के टूर्नामेंट की इन्फॉर्मेशन आती है। तो पटौदी के सारे टूर्नामेंट होते थे, पटौदी के सारे टूर्नामेंटों में हम सारे पहुँचते थे। पटौदी आसपास के काफ़ी टूर्नामेंट होते थे यहाँ पे। तो मैं उस टाइम पे शायद 10th में था, 2010 की बात है, 2009 की बात है, 9th 10th की, तो उसी टाइम की बात है। तो जस्ट मैं नेट खेलता था उस टाइम पे, नेट और स्कोरिंग दोनों जगह खेल लेता था। जसिंदर भाई उस टाइम पे क्या हुआ कि जो बासलांबी की टीम हमारी यहाँ की सबसे टॉप टीम थी, उनके साथ हमारा मैच था। मेन चीज़ अपने लोकल बच्चों के साथ खेल के, ना ही इतना एक्सपीरियंस था, नए खिलाड़ी थे हम, थोड़ा हमसे ऊपर अजय भाई है, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। एक हरपाल मास्टर जी हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने गेम सिखाया हमको। और यशविंदर भाई, नरेंद्र भाई, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। तो वहाँ हम फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट जीते, जिससे अपने सेट में जीतने की खुशी अलग होती है। तो काफ़ी हार के बाद वो जो फर्स्ट विनिंग थी यादगार थी, और वो फर्स्ट ट्रॉफी भी उन्होंने मुझको ही दी थी और आज भी रखी हुई है मेरे पास। बिल्कुल बॉबी भाई, बहुत अच्छा टूर्नामेंट था जैनाबाद का, आई अप्रिशिएट। ऐसे ही टूर्नामेंट होने चाहिए, बिकॉज टाइमिंग की वैल्यू तभी समझेंगे लोग। सुरेंद्र मलिक भाई, नहीं, सेट वही है भाई, अभी कुछ चेंजमेंट ऐसा कुछ नहीं है, बट कंडीशंस है, कोई प्लेयर पहुंच पाता है नहीं पहुंच पाता है, बस इस वजह से कुछ ये फॉर्मेट्स चल गए अलग अलग। जी भाई बिल्कुल, कोशिश करेंगे। अश्विन बहादुरगढ़ बहुत ही अच्छा उभरता हुआ स्कोरर है, जंप बहुत अच्छा है, जंप के मैंने बहुत काफ़ी मैच देखे हैं। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वो खेला था, बहादुरगढ़ के सेट में खेला था, पटौदी टूर्नामेंट में खेला था, इंद्री से हम हार गए थे उस टाइम पे, और आज के टाइम में दिन रात का फर्क है उसके गेम में। बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है उसका, जंप के अंदर आई थिंक आज के टाइम में लीग की सोनीपत में जो खेलता है सबसे बेस्ट टीम है जंप में अपने हरियाणा की। थैंक यू भाई जसविंदर भाई। सभी भाइयों का मैं अंतिम में धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा, और उन सभी भाइयों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और गेम के लिए बहुत ही कोऑपरेटिव चीज़ें कर रहे हैं। तो थैंक यू सभी भाइयों को। अंत में कुछ बातों के साथ, कुछ वाणी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा कि दुनिया में हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया में हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो भाई सभी रवि के बारे में बताएं, दिनेश भाई आपने सिखाया रवि को, टेंशन ना लो, फोगाट भाई ने रहा आपने, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं।
शो नहीं करते हो, बट मन ही मन वो भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ गेम है आपका, मैं आपके ग्राउंड पे गया था स्टार्टिंग के अंदर 5-6 साल पहले, तो फोगाट भाई का और आपका बहुत ही अच्छा मैच चल रहा था, अपोजिट अपोजिट वाला। स्टार है भाई स्टार, बिल्कुल रवि भाई स्टार है। बोला भाई मैं कम से कम मैक्सिमम टीमों में खेल चुका हूँ, बट जो रवि भाई के साथ खेलने में जो मज़ा आया वो मुझे किसी भी टीम में नहीं आया। तो बहुत ही अच्छे सारे प्लेयर्स हैं। हाँ प्रोबली नेक्स्ट टाइम आगे भी हम साथ ही खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सभी टीमों को किट में भी आना चाहिए, किट जरूरी है, एक डिसिप्लिन शो करती है चीजें। अरे थैंक यू बॉबी भाई, कैसे बात कर रहे हो आप, थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। अभी लॉकडाउन लॉकडाउन करे क्या रमेश? रमेश भाई साहब मैं जेई हूँ, जूनियर इंजीनियर जेई, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई एवं जल विभाग, हरियाणा, हरियाणा गवर्नमेंट में। अभी थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह और कर रहा हूँ, कुछ इंस्पेक्टर वगैरह के टेस्ट वगैरह मेरे पेंडिंग है, तो बस दुआ हुई तो बाकी वेल सेटल्ड है। कुछ पढ़ाई वगैरह भी करते हैं, फ्री एजुकेशन भी देते हैं, पढ़ाते हैं, फ्री क्लासेस भी देते हैं, और स्पोर्ट्स को कोऑपरेटिव करते हैं। खेड़ी मान सिंह राजेश स्टार है, खेड़ी मान सिंह राजेश जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छी टीम है उनकी, उनका कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। हार जीत एक अलग पहलू है, कुछ ये एरिया का फ़र्क भी हो जाता है, इलाके का फ़र्क भी हो जाता है, कि इस तरफ कोई प्लेयर डाउन चला जाती है, परफॉर्मेंस उसकी कहीं पे अप होती है। बाकी बहुत ही अच्छी टीम है केडी मानसिंह की, काला तुमसी राजेश, बहुत अच्छी टीम है उनकी। आपके साथ खेलने में बहुत मज़े आते हैं रमेश शर्मा जी, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर जब साइड में खड़े हों, हमारे पास खड़े हों, साथ खड़े हों, और वो मोटिवेट करते हैं हर बॉल पे कि चलो खेलो, तो उस खेल का मजा ही कुछ अलग होता है। थैंक यू भाई बॉबी भाई, कोई नहीं, थैंक यू रमेश शर्मा जी। तो सभी भाइयों से भाई, बेस्ट सेंटर कोई भी नहीं है, आप में से हम में से कोई भी हो सकता है, नए खिलाड़ी है वो भी हो सकते हैं। पता नहीं पब्लिक को क्या जीत पड़ी है, बेस्ट सेंटर बेस्ट सेंटर, टीम जिताती है सेंटर कभी गेम नहीं जिताता, हमेशा टीम जिताती है सेंटर कभी भी गेम नहीं जिताता मेरे भाई। हाँ सारे प्लेयर है, सारे प्लेयर ही अच्छे हैं, डिपेंड करता है किसी का दिन आज अच्छा है किसी का कल अच्छा है। नीटा है, अंकित है, बुंडू है, दानवीर भाई है, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, कमल शास्त्री बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, राजेश खेड़ी मानसिंह से बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, विक्की सोनीपत, तो सभी प्लेयर अच्छे हैं, किसी को जीता भाई है किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, डिपेंड करता है गेम के ऊपर, बिकॉज ये नहीं है कंसिस्टेंसी हमेशा डिपेंड नहीं करती। उभरता हुआ खिलाड़ी है दीपक भाई, कासी अकेड़ा, नरेंद्र भाई, बॉबी भाई, कोरोना के बारे में मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा, घर रहें, स्वस्थ रहें, और ना मिले जुले ज़्यादा किसी से, बस क्या कुछ ही तो टाइम है, यही तो हमको मुसीबत की घड़ी है आज के टाइम पे, हमारे देश के टाइम पे, देश पर हम अपनी सुरक्षा में अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले हम पर्टिकुलर आदमी अपने परिवार को सुरक्षित करता है, एक परिवार परिवार जुड़कर ही देश बनता है, तो देश हमसे नहीं है, हम देश से हैं, सो देश के बारे में सोचो, और कोरोना से रिलेटेड सारी इंक्वायरीज आप करते रहो, आरोग्य एप्स वगैरह सारी चीज़ों को आप फॉलो करो, लॉकडाउन का फॉलो करो। बेस्ट नेटमैन दिनेश भाई, बेस्ट नेटमैन आज के टाइम में मेरी थिंकिंग में नीना भाई है, सोनीपत से
रवि और मंचल दोनों में ही अच्छा फोर्स है भाई। बस मंचल को लेफ्टी का बेनिफिट मिलता है, लेफ्टी है, और रवि भाई उनका फोर्स ज़्यादा है आई थिंक। अच्छा फोर्स है, दोनों का ही अच्छा फोर्स है। डिपेंड करता है मैच मैच के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज शूट करने की स्टाइल डिपेंड करती है। मंचल लेफ्टी है तो फ्लैट फ्लैट बॉल जाती है उसकी, थोड़ा सा फ्लैट एलिवेशन कम होता है। रवि भाई का एलिवेशन ज़्यादा होता है, तो जो बॉल उसकी परफेक्ट लगती है नेट क्रॉस करती है तो सेंटर सेंटर टू डाउन जाती है बिल्कुल। एलिवेशन उनका ज़्यादा है तो इसलिए उनकी बॉल ज़्यादा फोर्स में दिखती है। विजुअलिटी डिपेंड करती है रवि भाई की। दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जी बिल्कुल, नेटमैन, बिल्कुल नेटमैन तो रीढ़ की हड्डी है गेम की। अभी क्या है कि साइड सेंटर खूब अच्छे हो या नहीं हो, जब तक नेटमैन अच्छा नहीं होगा तो खूब अच्छा सेंटर हो, नेट में बॉल ही नहीं उठेगी तो कैसे। रीढ़ की हड्डी है नेटमैन, बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है। आज के टाइम पे काफी अच्छे नेटमैन है सारे, सोनू पथरेड़ी है अपना, नीना भाई है बालोट से है, जो नजफगढ़ से नया नेटर है, नैतिक भाई है, तो सांपला सांपला से भी दो तीन नेटर हैं अच्छे हैं। विक्की सोनीपत अंकित पथरेड़ी के मैच के बारे में, कौन सा वाला मैच राहुल भाई? अच्छा, यहाँ पे नानूपुर टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम जो टूर्नामेंट हुआ था 23 फेब को 2019 को, तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था। शायद फर्स्ट राउंड में ही आपस में उन्होंने मैच करा लिए थे, दोनों का कोऑपरेशन था, विक्की सोनीपत और अंकित पथरेड़ी का। उनका कम से कम 2.5-3 घंटे मैच चला था, बेस्ट ऑफ टू पे मैच चला था। विक्की सोनीपत जीत गई थी, अंकित पथरेड़ी हार गए थे, बाकी गेम दोनों का सराहनीय था, बहुत ही अच्छा मैच चला था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है रमेश रमेश भाई जी। पब्लिक क्या है, चमत्कार को नमस्कार करती है, एक्चुअली फंडा ये चमत्कार को नमस्कार करती है, तो अट्रैक्शन जहाँ पे होगी वहीं पे पब्लिक की नज़र जाती है प्लेयर्स की, कि यार वो शूट कर रहा है वो शूट कर रहा है। ये पब्लिक फॉलो कम करती है कि उसने शूट किया तो उसने डिफेंस किया, डिफेंस को कम शूट वो करती है, तो जब तक डिफेंस भी नहीं होगा तब तक शूट भी काम का नहीं है। तो सबका, नेटमैन का अपना अपना रोल है, साइड का अपना अपना रोल है, स्कोरिंग का अपना अपना रोल है, बिकॉज थर्ड बॉल है, थर्ड बॉल स्कोरर अच्छी तरह से फेंकेगा तो तभी सेकंड साइड से बॉल भी बन के आएगी, तो डिपेंड करता है, हर एक प्लेस का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। इसी को पर्टिकुलर हम सेंटर को नहीं दे सकते कि सेंटर ही सब कुछ करता है। तो सभी भाइयों से मैं, माय टीम इज बेस्ट टीम दैट, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है रमेश भाई जी। तो सभी भाई से मैं इजाजत लेना चाहूंगा, खासकर जीता फोगाट, विपिन चहल और फेडरेशन के सारे मेंबर जो ट्राई कर रहे हैं उनकी सराहना करना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं। हमारे लायक कोई भी सपोर्ट हो तो हम बिल्कुल करेंगे। और दानवीर दानवीर भाई तो बहुत ही, मैंने गेम स्टार्ट किया था तब से वो खेलते हुए देखा है मैंने उनको, तीनों ही फॉर्मेट के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। उस टाइम पे मीडियम्स गेम होते थे, मीडियम्स गेम में भी बहुत अच्छा गेम खेलते थे और बहुत ही अच्छे सेंटर थे, आज भी हैं, ऐसी बात नहीं, जब भी गेम फंस जाता है तो वही सेंटर आते हैं, तो बहुत ही अच्छे सेंटर है, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बाई नेचर भी बहुत अच्छे इंसान हैं जी। तो उन सभी का धन्यवाद जो मुझे इस काबिल समझा। अंत में आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करके मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे शो करने, इस शो में इनवाइट करने के लिए, मैं सभी भाइयों को। लास्ट में आपको एक मैं छोटी सी स्टोरी के बारे में बताना कुछ चाहूँगा। क्या है कि हर एक इंसान किसी न किसी से प्रेरित होता है, तो मेरे भी आइडियल हैं, सबके आइडियल होते हैं, किसी न किसी स्टोरी से प्रेरित होते हैं, तो मैं भी एक छोटी सी स्टोरी से प्रेरित हूँ, जहाँ से थोड़ा सा गेम, पर्सनल लाइफ, हर चीज़ में थोड़ा बहुत मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है, तो वो थोड़ा साझा करना चाहूँगा मैं आपका समय बर्बाद न करके। एक कार्ली टेकस के बारे में आपने सुना हुआ होगा,
एक हंगेरियन शूटर है वो, एक हंगेरियन शूटर थे 1938 में, मिलिट्री में, मिलिट्री में मिलिट्री मैन थे वो, मिलिट्री में थे 1938 में, मिलिट्री से शूटिंग करते थे, हंगरी देश से थे। तो उन्होंने ग्रेनाइट, उनके राइट हैंड थे वे, राइट हैंड थे, तो उस टाइम पे उनसे बेटर शूटर नहीं था। और ओलंपिक्स होने थे 1940 में, तो उनका मेन टारगेट था ओलंपिक्स, कि ओलंपिक्स में विन करना है। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओलंपिक्स में वो जीते। क्या हुआ कि एक छोटी सी बैटल थी, बैटल के अंदर एक ग्रेनाइट की वजह से उनका हार्ट डैमेज हो गया, राइट हैंड जिस हाथ से वो शूट करते थे। एज ए रिजल्ट काफ़ी टाइम लीव आउट हो गए, आर्मी से बाहर निकाल दिए गए, और 6 महीने एकांत में बैठे रहे वो। तो सभी पब्लिक सोच रही थी, उसके फ्रेंड्स सर्कल्स मिलिट्री वाले सब सोच रहे थे कि किधर गए वो। तो खुद को मोटिवेट किया, लेफ्ट हैंड से शूटिंग करना स्टार्ट किया 1939 में, हंगरियन गेम्स जो होते हैं उनके अंदर, वहाँ वो गए। वहाँ जाके कुछ उनके साथी थे, उन्होंने उस पर टोंट किया कि आप यहाँ देखने के लिए आए हो। तो उनका जवाब था, आई डिड नॉट कम टू सी, आई केम टू फिनिश इट, मैं इसको ख़त्म करने आया हूँ, यहाँ जीतने आया हूँ, इसको देखने नहीं आया। उन्होंने वो खिताब वहाँ जीता। उसके बाद ओलंपिक की तैयारी की, 1940 में ओलंपिक कैंसिल हो गए, 44 में भी वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक कैंसिल हो गए। कंटिन्यू अपना जज्बा लेके लगे रहे वो। 1948 में एटलीस्ट लास्ट टाइम उनका ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ, और लेफ्ट हैंड से राइटी लेफ्टी बन गए, और लेफ्ट हैंड से उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। 1952 में फिर ओलंपिक हुए, उनमें भी उन्होंने सेकंड टाइम गोल्ड मेडल जीता। तो ये कुछ मेरी मोटिवेशनल, उनको देख देख के मोटिवेट होता हूँ कि जो आदमी राइट हैंड से सारा काम करता था, शूटिंग करता था, तो वो लेफ्ट हैंड से चैम्पियन बन सकता है। काम करना और चैम्पियन बनने में दिन रात का फर्क है। तो सभी शूटर्स को पीछे छोड़ के उन्होंने किया। तो मोटिवेट करती रहती है ऐसी स्टोरीज मुझको। मैं आशा करता हूँ आपको भी ये स्टोरीज मोटिवेट करें, मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो। कुछ त्रुटि हुई हो, कुछ भाई नाराज हो, उनके बारे में कुछ गलत शब्द निकले हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। सभी भाइयों को नमस्कार और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।